सोनीपत के गन्नौर में होने वाली सीएम मनोहर लाल खट्टर की रैली से पहले राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। दो साल पहले चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल होने वाले पूर्व सांसद जितेंद्र मलिक ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। मलिक की माने तो उन्हें पार्टी में उचित मान सम्मान नहीं मिल रहा था, जिस कारण उन्होंने ये फैसला लिया है। दबाव में आके राजनीति करने वाला आदमी नहीं, चाहे पिछली पार्टी की बात रही हो चाहे अभी हो, मान सम्मान नहीं है ना, मैं किसी के नीचे राजनीति कर सकता। अगर कोई आदमी ये सोचता है कि मैं दबाव के या किसी के नीचे रह गया तो वो उनकी भूल है, और मैं इसी वजह से मैंने अपनी पार्टी को कल छोड़ दिया। जितेंद्र जी, आप कांग्रेस में पहले भी सांसद रहे कांग्रेस से, क्या आप दोबारा कांग्रेस में? नहीं, ऐसा मुझे, मैं अपने साथियों से वर्करों से विस्तारपूर्वक उनसे बात चर्चा करूंगा, उसके बाद हम आगे फैसला लेंगे, हमारे साथी क्या फैसला लेते हैं उसके बाद बैठ के बात करेंगे, अभी किसी पार्टी में मेरा जाने का कोई विचार नहीं। जितेंद्र मलिक दो बार कांग्रेस से विधायक व एक बार सोनीपत से सांसद रह चुके हैं। जितेंद्र मलिक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते थे। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।